नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे तीन बड़े कारणों के बारे में जिसकी वजह से आपके दांत के ऊपर जो डेंटल क्राउन लगा होता है वो बार बार निकल सकता है या फिर ढीला हो सकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दांत के ऊपर क्राउन कब कब लगाया जाता है। अगर आपके दांत में कोई बड़ी कैविटी हो गई है और उसका पल्प एक्सपोज हो गया है तो ऐसे केस में दांत में पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद दांत के ऊपर दांत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेंटल कैप लगाई जाती है। ये डेंटल कैप रूट कैनाल के बाद भी लगाई जा सकती है और कुछ केसेस में जहां कैविटी बहुत बड़ी होती है तो दांत का स्ट्रक्चर नहीं बचा होता है, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करने के लिए भी ऊपर से डेंटल कैप लगाई जाती है। कुछ केसेस में जहां आपका कोई बीच का दांत मिसिंग है तो आसपास के दांतों को घिसकर 3 यूनिट या 4 यूनिट का कैप बनाया जाता है। जब भी हम दांत के ऊपर कैप लगाते हैं तो इस प्रोसीजर से पहले हमें आपके नेचुरल दांत को चारों तरफ से घिसना होता है। घिसने के बाद जब आपका दांत थोड़ा छोटा हो जाता है तो उस स्पेस में हम डेंटल कैप लगाते हैं। अब कुछ केसेस में दांत के लिए जो स्पेस है वो कम होता है। अगर ऊपर का दांत नीचे आ गया है और ये स्पेस कम हो गया है तो ऐसे केस में जब हम दांत घिस देंगे तो नीचे आपका जो नेचुरल टूथ का स्ट्रक्चर है वो बहुत कम रह जाता है। इस केस में अगर दांत के ऊपर कैप लगा दी जाए तो वो कैप ज्यादा दिन तक उस जगह पर नहीं टिक पाएगी और निकल जाएगी, क्योंकि हम फोर्सेस जब लगाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हम डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स लगाते हैं। किसी भी एक तरफ से अगर वॉल छूटी है तो दांत की जो कैप है वो बार बार निकल जाएगी। अगर स्पेस अच्छा है तो हम दांत के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद एक पोस्ट डालते हैं और ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं। अगर स्पेस बिल्कुल नहीं है तो हम क्राउन लेंथनिंग करते हैं, जिसमें हम आपके दांत के चारों तरफ के मसूड़े को हटाते हैं और दांत को लंबा करते हैं ताकि जो आपकी जो कैप बनेगी वो उसके ऊपर फिट हो जाए और ना निकले। दूसरा रीजन होता है कि जो आपका दांत है उसे डेंटल क्राउन से एक सीमेंट के जरिए चिपकाया जाता है। इस सीमेंट में अगर कोई दिक्कत हुई तो आपकी कैप निकल जाएगी। जैसे अगर ये सीमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अगर ये सीमेंट बहुत खराब तरीके से लगाया गया है, या फिर आपके दांत के चारों तरफ बहुत ज्यादा खाना जमा है। यदि बहुत ज्यादा खाना जमा होगा तो मसूड़े में इंफेक्शन होगा। मसूड़ में इंफेक्शन होने की वजह से जो आपका दांत और क्राउन का मार्जिन है यहां से वाटर लीकेज होगा या माइक्रोब्स जो होंगे वो दांत के अंदर चले जाएंगे और सीमेंट को खराब कर देंगे। इन सभी केसेस में जो दांत और क्राउन है उनके बीच का जो सीमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और क्राउन निकल जाएगा। तो अगर आपने कोई कैप लगवाया है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको दांत के चारों तरफ स्पेशली मार्जिन्स पे बहुत अच्छे से सफाई रखनी है। तीसरा बड़ा कारण होता है आपका खान पान। यदि आपने कोई कैप लगवाया है तो आपको आपके डेंटिस्ट उसी समय बताते हैं कि कुछ चिपचिपा या खिंचाव वाला पदार्थ आपको नहीं खाना है, जैसे च्युइंगम या फिर गुड़ की चिक्की। कोई भी खींचने वाला पदार्थ अगर आप अपने क्राउन से खाते हैं तो वो आपके क्राउन को बाहर के डायरेक्शन में खींचता है। अगर आपके क्राउन को बाहर के डायरेक्शन में खींचा जाएगा तो जो सीमेंट है और क्राउन है वो पकड़ छोड़ देगा और क्राउन निकल जाएगा। तो यदि आप कोई ऐसी परेशानी फेस कर रहे हैं जिसमें आपका क्राउन है वो बार बार निकल जा रहा है तो आज ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि कई बार ये क्राउन आपके अंदर भी जा सकता है। अगर पेट में गया तो फिर भी निकल जाता है, लेकिन अगर लंग्स में चला गया तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो ढीले क्राउन को या बार बार निकलने वाले क्राउन को अवॉइड नहीं करना है, उसका एक फिक्स ट्रीटमेंट कराना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तो निकलता ही रहेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई एक वजह होगी जिसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर इससे जुड़ी आपकी कोई और समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।